अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब? होपली सब ठीक ठाक अपने घर में सेव। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त देसी मुर्गे की यखनी जोसी किस्म की मज़ेदार सी बिरयानी। लेकिन इसको बनाना थोड़ा सा डिफरेंट है, आम जो यूजुअली हम बिरयानी बनाते हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है। सो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल के आइकन को प्रेस कर दे, बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे है जी मेरे पास 1 किलो से ज़्यादा है कुछ, ठीक है 1.25 किलो तकरीबन मेरे पास है जी देसी मुर्गा। यहाँ पे आप चिकन की लुक देख सकते हैं, जो नॉर्मली हम घर में लेके आते हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है। इसका लेग पीस भी चेंज है और इसमें बोनलेस चिकन तो बिल्कुल भी नहीं है, है लेकिन बहुत ही ना होने के बराबर इसमें बोनलेस चिकन है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको गलाना थोड़ा मुश्किल काम है। ये नॉर्मली हम जब इसको देचकी में पतीले वगैरह में रखते हैं तो नहीं गलता है। इसको गलाने के लिए सबसे पहले आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, प्रेशर के बगैर नहीं गलता। सो अब हमने चिकन को प्रेशर में ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है जी लाल साबुत मिर्ची 3 अदर, 2 मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड किए हैं जस्ट फॉर टेस्ट के लिए। उसके बाद आपने इसमें अच्छा खासा पानी ऐड कर देना है। पानी आपने उतना ऐड करना है कि जिससे आपकी यखनी भी बच जाए, मीन्स कि अगर गलने में पानी इसका कंज्यूम होता है तो उसके अलावा भी आपकी यखनी के लिए भी पानी बचना चाहिए, ठीक है। उतना आपने इसमें पानी ऐड करना है। फिर मैंने इस चम्मच इसमें भर के ज़ीरा ऐड किया है, पुदीना ऐड किया है, पुदीने के मैंने चंद पत्ते इसमें ऐड किए हैं और फिर मैंने इसमें नमक ऐड किया। उसके बाद हमने इसको प्रेशर लगा दिया। प्रेशर लगाने के बाद यहाँ पे इसकी ये है जो कुछ लुक, लेकिन आपने पहले चेक कर लेना है। अगर तो आपका जो चिकन है वो अच्छे से गल चुका है तो ठीक है, नहीं तो फिर से आप इसको प्रेशर लगा सकते हैं। और फिर जी आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आना है। यहाँ पर हमने कढ़ाई में प्याज ऐड कर दिया। प्याज यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के कटिंग करके ऐड किए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें घी ऐड किया है। आज की रेसिपी में हम ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे, घी इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्याज का हल्का सा कलर चेंज करना है, लेकिन साथ ही आपने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है, अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर तो आपके पास बना हुआ मौजूद है तो आप पेस्ट ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे क्यूब्स ऐड किए हैं जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी। रमज़ान स्पेशल की रेसिपी है ये, ठीक है। इसके लिए मैंने इस तरह क्यूब्स बना के रख दी थी। और जैसे इसका कलर प्याज का चेंज हो जाए, ठीक है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए, तो आपने इसमें जैसे ही आपका चिकन गल जाए तो आपने देख के तो वो बोटियाँ इसमें ऐड कर देनी है चिकन की, ठीक है। और जो आपकी यखनी है उसको अपने साइड पर रख देना है। और फिर आपने इसको इसमें प्याज के अंदर अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। यहाँ पे मैंने हल्का सा जो ज़ीरा वगैरह जो यखनी में मौजूद था जो हमने स्टेन करके पानी निकाला है तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि जो हमने मसाला जात यखनी में ऐड किए हैं वो ऐसे मसाला जात नहीं हैं जिनको हम ना खा सकें, साबुत को ना खा सकें, क्योंकि मिर्चें भी जब हम इसकी बुनाई करेंगे तो इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगी और जो ज़ीरा है वो भी इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच मैंने इसमें क्रश की हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं, आप इनका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 2 बड़े साइज़ के इसमें टमाटर ऐड किए थे, साइड पे ऐड किए हैं मैंने, इसलिए आपको ज़्यादा नहीं लग रहे, लेकिन ये मेरे पास फ्रीज हुए हुए 2 टमाटर थे, मैंने उनको अच्छे से कटिंग करके साइड पे रखा हुआ था। और फिर हमने इन्हीं टमाटर को ऐड करने के बाद इसकी भुनाई करनी है। अब यहाँ पर मैंने टमाटरों के साथ और भी मसाला जात इसमें ऐड किए थे, साथ साथ मैंने नीचे लिखती हैं मसाला जात, आप वहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। यहाँ पर मैंने इमली ऐड किया तकरीबन 2 चम्मच। उसके बाद यहाँ पे मैंने टोमेटो प्यूरी ऐड की है, टोमेटो ऑलरेडी मैंने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने प्यूरी भी इसकी ऐड की है, ये ऑप्शनल है, अगर तो आपके पास मौजूद है तो आप ऐड कर लें। उसके बाद मैंने इसमें दादर मिर्ची ऐड की है 1 चम्मच। उसके बाद मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड किया है क्रश किया हुआ, वो भी 1 चम्मच ऐड किया है। और इसके बाद मैंने 1 चम्मच नमक का ऐड किया है, नमक ऑलरेडी हमने यखनी में 1 चम्मच ऐड कर दिया था और अभी मैंने 1 चम्मच ऐड कर दिया है। आपने नमक की मकदार को बहुत ही मद्देनज़र रखना है, ठीक है। 1 चम्मच हमने पहले ऐड कर दिया था, 1 चम्मच हमने अब ऐड कर दिया है। सो 1.25 किलो की बिरयानी है, ठीक है। 1 किलो की आप मैक्सिमम लगा लें तो उसमें तकरीबन 1-2 चम्मच बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपने 2 चम्मच ज़रूर ऐड करने हैं। उसके बाद आपने इमली को भी चम्मच की मदद से या किसी स्पैचुला की मदद से प्रेस करते हुए आपने अच्छे से इसके अंदर भुनाई करनी है। उसके बाद ही मैंने इसमें अच्छे खासे मिंट के पत्ते ऐड किए हैं पुदीने के, क्योंकि बहुत रिफ्रेशिंग टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप ज़रूर पुदीना ऐड किया करें बिरयानी में, बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। जो भी आपकी बिरयानी खाता है आपकी तारीफ़ ज़रूर करता है। सो ये बहुत ही टॉप ऑफ द सीक्रेट इन्ग्रीडियंट है, जब भी आप अपने घर में बिरयानी बनाएं तो काइंडली इसमें पुदीना ऐड किया करें। पुदीने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं और बहुत अच्छा टेस्ट भी है। अब जैसे ही आपने इसके अच्छे से भुनाई कर लेनी है तो आपने इसमें यखनी ऐड करनी है। यहाँ पर हमने सिंपल वाटर नहीं ऐड किया, यखनी ऐड की है और जितने चावल हैं उससे डबल पानी, मतलब अगर आपके पास 2 गिलास चावल हैं तो 4 गिलास पानी, अगर 4 गिलास चावल हैं तो 8 गिलास पानी। अगर तो आपने काफ़ी देर पहले का आधा घंटा घंटा पहले के चावल भिगो के रखे हैं तो आप 1 गिलास कम कर सकते हैं, नहीं तो अगर तो आपने तकरीबन 5-10 मिनट पहले चावल भिगोए हैं तो आपने इतनी ही क्वांटिटी रखनी है।
अब यहाँ पे मैंने इसमें जैसे हल्का सा पानी रह गया तो मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड किया है। ठीक है, आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने जैसे ही इसको अच्छे से मिक्सअप कर देना है, तो आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं जी फूड कलर। अब जहाँ पे तकरीबन कम पानी रह गया था ना होने के बराबर, तो मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया। सबसे पहले मैंने इसमें जर्दा कलर ऐड किया है, हल्का सा लेमनिश इसका कलर है, और फिर मैंने इसमें हल्का सा रेड कलर का टच दिया है। रेड कलर भी आप ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा कलर लगता है, बहुत खिले खिले चावल लगते हैं, अट्रैक्टिव चावल लगते हैं, जिससे मतलब खाने वाले का दिल खुद ही चाहता है कि बस ये जल्दी से हमें मिल जाए। इसके बाद जी अब आपने इसको दम पे रख देना है। दम पे आपने 5 से 10 मिनट के लिए रखना है। और ये देखें जी, चलिए आपकी बिरयानी वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पे बस हल्का सा काम रह गया था, नहीं तो बहुत गुलाई में हमारे चावल नीचे आने थे, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छी लुक लग रही थी। अब यहाँ पे आपने किसी बारीक चम्मच की मदद से, यहाँ पे ये मेरे पास बहुत मोटा चम्मच नहीं है, बारीक चम्मच की मदद से चावलों को अच्छे से आपने हिलाना है, ताकि अच्छे से चावल अपनी जगह पे आ जाएं और सेट हो जाएं और कलर इक्वल हर तरफ फैल जाए। और यहाँ पे देखिए जी, हमारा जो मुर्गा है वो अच्छा खासा गल चुका है, बहुत ही लजीज जूसी टाइप की बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनी थी, जो इसमें हम यखनी ऐड करते हैं। यखनी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई है। पसंद आए तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।